हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करवा एसएसबी इकोनॉमिक्स रो स्टैटिस्टिक्स पार्ट रो जो क्लास फाइव, तो यहाँ लास्ट क्लास रहिबो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जो देखना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर आउ टेलीग्राम चैनल जो जॉइन होना हो ताले जॉइन हो पार, तो मुझे लिंक दे देती। तो आज आम लास्ट स्टैटिस्टिक रो लास्ट पार्ट रहिबो। एथरे एस्टिमेशन रे आम डिटेल डिस्कस करिबा, जमती कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन कौन कौन रही, पॉइंट आउ इंटरवल एस्टिमेशन, तापरे ऑयलेस एस्टिमेटर, तार एजम्पशंस टू वेरिएबल केस रे ऑयलेस रे कौन कौन रही टेस्ट, तो ये सब डिटेल आम डिस्कस करिबा। तो चलंतु सिलेबस रे कौन अच्छी मुझे देखे दूची। तो ये लास्ट देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रीवियस क्लास रे कंप्लीट होता है। तो एस्टिमेशन आम आज पढ़ा पॉइंट एंड इंटरवल, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, ऑयलेस, तार एजम्पशंस, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, टू वेरिएबल केस रे कौन कौन रहिबो। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करिबा। तो ये मुझे प्रीवियस क्लास रे भी ये चार्टा शो करी। आमर एस्टिमेशन टा कोठे आसुची, माने स्टैटिस्टिक्स को दि भाग विभक्त कर गोटे डिस्क्रिप्टिव आ गोटे हूँ इनफरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव माने हॉल पॉपुलेशन को नेले सेटा हो, माने टोटल पॉपुलेशन को स्टडी कले डिस्क्रिप्टिव, आउ इनफरेंशियल माने सिंपल पॉपुलेशन को लेकिन माने सिंपल साइज को लेकिन आम स्टडी करवा। तो सिंपल रे आमर एस्टिमेशन गोटे आसूचे आ गोटे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन टा आमर दि प्रकार, गोटे हूँ पॉइंट एस्टिमेशन सिंगल वैल्यू को नेले, आउ इंटरवल एस्टिमेशन कन्फ्यूज इंटरवल वैल्यू नेले आमर सेटा इंटरवल एस्टिमेशन आसीबो। आउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टा पैरामेट्रिक आउ नॉन पैरामेट्रिक, तो ए प्रकार आम पढ़ी। तो ये आम एस्टिमेशन जो पॉइंट आउ इंटरवल एस्टिमेशन अच्छे से गुड़ी डिटेल डिस्कस करवा। चलंतु तो फास्ट आम पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन रोचे। तो एस्टिमेशन रो कांसेप्ट टिके देखिदे। तो एस्टिमेशन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सैंपल डाटा टू मेक एजुकेटेड गैसेस और एस्टिमेट्स अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो आम सैंपल डाटा को लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर उपरे जदि आम एस्टिमेट करिबा सेटा को ही आम एस्टिमेशन कहिबा, माने सैंपल साइज नेले से अनुसार पॉपुलेशन को स्टडी करिबा। धर पॉपुलेशन रे आमर 1 लाख पॉपुलेशन थिबे, सेटा आम 1000 नबा सैंपल डाटा, तो ताकु नेकि आम पॉपुलेशन पैरामीटर को स्टडी करिबा एस्टिमेट करिबा, तो सेटा को ही एस्टिमेशन कह जइबो। तो द गोल ऑफ एस्टिमेशन इज टू इन्फर और एप्रोक्स एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो आमर अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को आम गेस बा इनफर करी गोटे आइडिया लगे आम सैंपल रु जापर जो पॉपुलेशन केमती है, एंड सच एज द पॉपुलेशन मीन प्रोपोर्शन वेरिएंस और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बेस्ड ऑन इनफॉरमेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल। तो सैंपल अनुसार एगुड़ी को आम तार वैल्यू बाहर करके जापर पॉपुलेशन रो कौन रहिबो। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक्स, दि प्रकार अच्छे, गोटे हूँ पॉइंट एस्टिमेशन आ गोटे हूँ इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ही स्टडी करते, तो से आम पढ़ा पॉइंट एस्टिमेशन इनवॉल्व्स यूजिंग ए सिंगल वैल्यू नॉन एज ए पॉइंट एस्टिमेट टू एप्रोक्सीमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो गोटे अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को आम गोटे मानने सिंगल वैल्यू नहीं से मानने एस्टिमेट करवा, मानने सिंगल वैल्यू पॉइंट को लेकिन एस्टिमेट करवा, तो सेटा हो पॉइंट एस्टिमेशन। तो द पॉइंट एस्टिमेशन इज टिपिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा एंड सर्व्स एज द बेस्ट गेस और एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। एटा को आम कहीपर बेस्ट गेस कहीं मैंने गोटे पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट रे आम वैल्यूटा को कैलकुलेट करे, तो सिंगल पॉइंट तो यार आज किसी वेरिएसन रो ना, तो आम कहीपर गोटे बेस्ट गेस कर एक्जाक्ट गोटे पॉइंट मानने वैल्यू कहीपर। एंड द मोस्ट कमन पॉइंट एस्टिमेशन इनक्लूड द सैंपल मीन, तो ये सैंपल मीन अनुसार आम पॉइंट एस्टिमेशन कर फर द एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन, द सैंपल प्रोपोर्शन फर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एंड द सैंपल वेरिएंस फर द एस्टिमेशन एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो आमर सैंपल मीन नहीं पारिबा, सैंपल प्रोपोर्शन नहीं पारिबा, किंबा सैंपल वेरिएंस नहीं पारिबा टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करिया पई हेले। तो ये आम सैंपल डाटा नहीं पारे एगुड़ी सब आम एक्जाक्ट वैल्यू आसो मीन हो गला प्रोपोर्शन हो गला किंबा आमर वेरिएंस रे हो गला एक्जाक्ट आम गोटे पॉइंट रे एस्टिमेशन करिबा। तो पॉइंट एस्टिमेशन प्रोवाइड ए स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर रो गोटे स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करथाय पॉइंट एस्टिमेशन। तो बट
दे डोंट कन्वे इनफॉर्मेशन अबाउट द अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद द एस्टिमेट। तो ये अनसर्टेनिटी कि वेरिएबिलिटी न था ये गोटे पर्टिकुलर रिजल्ट आम पाई था पॉइंट एस्टिमेशन यहाँ ही तार आम कहीपर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड आसवा आम इंटरवल एस्टिमेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन एस्टिमेशन भैल्यूटा भेरी कर मैंने एतिक टू रू फाइव फाइव रू टेन एमती। तो इंटरवल एस्टिमेशन इनवल्व कन्स्ट्रक्टिंग ए रेंज नॉन एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये तार किसी रेंज रोटा को आम कौन कहे ना कॉन्फिडेंस इंटरवल कह जो रेंजटा को कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड द पॉइंट एस्टिमेट टू कैप्चर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विथ अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये आम पॉपुलेशन रो एक्जाक्ट वैल्यू तो आम जानने ना तो आम गोटे रेंज नवा जे एतिकी रू एतिकी माने एही भितरे रही थाई पारे। तो यहाँ गोटे आम प्रॉपर माने एस्टिमेशन करी जे तार वैल्यूटा गोटे कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं कि सेटे स्टडी करवा। तो यहाँ हो इंटरवल एस्टिमेशन गोटे पर्टिकुलर माने पॉइंट को नेले सेटा हो पॉइंट एस्टिमेशन आउ किसी कॉन्फिडेंस इंटरवल नेले बा रेंज को नेले सेटा हो इंटरवल एस्टिमेशन। तो ए कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ वैल्यूज विदिन व्हिच द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाइ विथ ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। माने आम कहीपर धर एग्जांपल 95% ऑफ कॉन्फिडेंस किंबा 80% ऑफ कॉन्फिडेंस किंबा 5% ऑफ कॉन्फिडेंस आम गोटे पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यूटा नवा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द सैंपल डाटा एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दे अकाउंट फॉर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द पॉइंट एस्टिमेट एंड प्रोवाइड ए मेजर ऑफ परसेप्शन और रिलेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर ऑफन एक्सप्रेस एज पॉइंट एस्टिमेट जोटा कि प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर रहिबो सेथिरे पॉइंट एस्टिमेशन रे एंड व्हेयर द मार्जिन ऑफ एरर इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ द सैंपल डाटा एंड द चोजन कॉन्फिडेंस लेवल। तो आम यू समराइज कले इन समरी पॉइंट एस्टिमेट पॉइंट एस्टिमेशन प्रोवाइड्स ए सिंगल वैल्यू इज द एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर गोटे सिंगल वैल्यू दे थाए पॉइंट एस्टिमेशन व्हाइल इंटरवल एस्टिमेशन प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन व्हिच द ट्रू पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाइ विथ ए सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो माने आम कहीपर पॉइंट वैल्यू रे गोटे पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू दे थाए आउ ये जो इंटरवल एस्टिमेशन ले गोटे रेंज रही था एतिक रू एतिक भितर वैल्यूटा लाइक कर। तो बोथ पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन आर इंपोर्टेंट टूल्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस ड्रॉइंग कंक्लूजन्स एंड इनफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। तो दुटा जाक आम दरकार माने इंपोर्टेंट अच्छी पॉइंट एस्टिमेशन आउ इंटरवल एस्टिमेशन बोथ दुटा जाक ठीक भाव में काम करते पॉपुलेशन को सर्व करथाय पॉपुलेशन रे कौन चेंजेस आसीबो सैंपल को नेकी। तो एटा गला दुटा पॉइंट आउ हमरो इंटरवल एस्टिमेशन। तापर नेक्स्ट आम देखा क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। तो गोटे गुड एस्टिमेशन रो एस्टिमेटर रो कौन कौन क्राइटेरिया रहिबो जेमदि आम उपरे पढ़ी अनबायसनेस एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी यूनिकनेस रोबोटनेस मिनिमम मीन स्क्वायर एरर तापर इज ऑफ कंप्यूटेशन इंटरप्रिटेबिलिटी तापर एसिम्प्टोटिक नॉर्मलिटी तापर लास्ट रोज बायस वेरिएंस ट्रेडअप। तो यह डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे गुड एस्टिमेशन लो। तो गोटे गोटे आम पढ़ा फास्ट होची अनबायसनेस। तो गोटे गुड एस्टिमेशन रो आम मेन क्राइटेरिया रोचे अनबायसनेस माने से बायस्ड हो नथिबो अनबायस वे रे आम सैंपल डाटा स्टडी करवा। तो एन एस्टिमेटर्स इज अनबायस्ड इफ ऑन एवरेज इट प्रड्यूस एस्टिमेट्स दैट आर इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। तो पॉपुलेशन पैरामीटर जहाँ भी किसी वैल्यू आसी था जदि आम सैंपल पैरामीटर जो स्टडी करवा एक्जाक्ट से भाया आसूस अनबायस वे स्टडी से किसी बायसनेस रखा जाए ना। तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इक्वल्स द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटरटा ट्रू पैरामीटर वैल्यू सहित इक्वल रनबायस एस्टिमेटर। तापर नेक्स्ट हूँ एफिसीयसी रहा दरकार एस्टिमेट करिबा टाइम रे। तो एन एफिशिएंट एस्टिमेटर इज वन दैट अचीव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस अमंग ऑल अनबायस एस्टिमेटर्स। तो इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स दैट आर प्रिसाइज एंड टाइटली क्लस्टर्ड अराउंड द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। तो से अनुसार एफिशिएंसी रहिबा दरकार। तापर थर्ड रे आसुची कंसिस्टेंसी रहिबा दरकार। तो गोटे एस्टिमेटर एस्टिमेटर कंसिस्टेंसी रहिबा दरकार। तो कंसिस्टेंट
एस्टिमेटर इज वन दैट कन्वेज टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू एज द सैंपल साइज इनक्रीजेस इनडेफिनेटली। तो सैंपल साइज इनडेफिनेटली इनक्रीज करे, इटा भी सही रेट्रे इनक्रीज करवा दरकार, गोटे कनसीस्टेन्सी रहा दरकार। तो द एस्टिमेटर बिकम्स इनक्रीजिंगली एक्यूरेट विथ लार्ज सैंपल साइज। तो लार्ज सैंपल साइज हेल्ले से अनुसार यार भैल्यूटा एक्यूरेट आसवा दरकार। तो सेटा को आम कनसीस्टेन्सी कहवा, तापर यूनिकनेस रहा दरकार, गोटे एस्टिमेटर यूनिकनेस रहा दरकार। तो आइडियली ए गुड एस्टिमेटर सुड भी यूनिक, गोटे एस्टिमेटरटा गुड एस्टिमेटरटा यूनिक हवा दरकार। तो मीनिंग देर इज ओनली वन एस्टिमेटर दैट सैटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ यूनिकनेस अनबायसनेस एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी फॉर ए गिवन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये सब गुड़िक रहिले ही आमे ताकु यूनिकनेस कहीपर, माने अनबायसनेस थिबो एफिशिएंसी रहिथिबा दरकार कंसिस्टेंसी रहिथिबा दरकार देले सेटा यूनिक हबो। तापर नेक्स्ट हो रोबस्टनेस, तो इट प्रोड्यूस रिलेबल एस्टिमेट्स इवेन इन द प्रेजेन्स ऑफ वायलेशन ऑफ द अंडरलाइंग एजम्पशंस और कंडीशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो इट सुड नॉट बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स और डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आमर जो इट सुड नॉट बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यहाँ इन्फ्लुएंस हवा कथा नुहे, क्या द्वारा जो आउटलायर्स कि डेविएशन रे एटा कौन हवा दरकार नुहे, माने इन्फ्लुएंस न होकर जमी एक्यूरेट डाटा आमको दे पार। तो सीटा ही आम गुड एस्टिमेटर भितर नवा। तापर सिक्स नंबर होची मिनिमम मीन स्क्वायर एरर। तो मिनिमम मीन स्क्वायर एरर रहा दरकार, एररटा जिते कम आसीबो सेते आमे कहिबा सेटा भलो एस्टिमेटर। तो इट मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटर एंड द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। तो इट बैलेंस बायस्ड एंड वेरिएंस टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एस्टिमेटर। तो यहाँ मैंने बालान्स करें एक्यूरेट आउ प्रिसाइज एस्टिमेटर दे था। तो मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एठे रही था, एररटा को सी कम करें। तापर सेवेन होची इज ऑफ कंप्यूटेशन। तो इज ऑफ कंप्यूटेशन रे ए गुड एस्टिमेटर सुड बी कंप्यूटेशनली फिजेबल, माने आम एस्टिमेटर को कंप्यूट कर पार्थवा दरकार, माने काउंट कर पार्थवा दरकार एंड इजी टू कैलकुलेट, ताको ठीक भाव में कैलकुलेसन हो पार्थवा दरकार। एस्पेशियली फॉर लार्ज डाटाबेस सेट्स और कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो जोटा लार्ज कि कॉम्प्लेक्स अच्छी ताको आम इजिली केमती कैलकुलेट कर पार्थवा दरकार। तापर इट सुड नॉट रिक्वायर एक्सेसिव कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस और टाइम। तो यही जगह आमर अधिक टाइम किंबा रिसोर्सेस दरकार न होबा दरकार, जहाद्वारा आम इजिली ताको कंप्यूट बा कैलकुलेट करी पारथुबा। तो सेटा ही आम गुड एस्टिमेटर कहिबा, तो ताको आम कहिबा इज ऑफ कंप्यूटेशन। तापरे इंटरप्रिटेबिलिटी रहा दरकार गोटे गुड एस्टिमेटर। तो इंटरप्रिटेबिलिटी कौन ना द एस्टिमेटर सुड बी इंटरप्रिटेबल एंड आम कहीपर मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। तो इंटरप्रिटेबल और मीनिंगफुल रहा दरकार एंड यूजर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिट द एस्टिमेटेड वैल्यू इंट्यूटिवली। तो यूजर्स सीए अंडरस्टैंड आउ इंटरप्रिट कर दरकार वैल्यूटा को, तो से अनुसार आम कहीपर इंटरप्रिटेबिलिटी रहा दरकार गोटे गुड एस्टिमेटर। तापर नाइन नंबर आसूसी एसिम्प्टोटिक नॉर्मलिटी। तो इट इम्प्लाइज दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर अप्रोचेस ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस इंडिपेंडेंटली। तो दिस प्रॉपर्टी फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ कन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्ट बेस्ड ऑन द एस्टिमेटर। तापर लास्ट रे आसुची बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो बायस आउ वेरिएंस रे जो ट्रेड ऑफ देखा जाए ता भितर माने गुड एस्टिमेटर गोटे रहुची ता भितर ट्रेड ऑफ बा बैलेंस मेंटेन करिबा। तो ए गुड एस्टिमेटर शुड स्ट्राइक ऑन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन बायस एंड वेरिएंस। व्हाइल अनबायसनेस इज डिजायरेबल इट मे कम टू द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड वेरिएंस। एस्टिमेटर्स विथ लोअर बायस मे एक्जिबिट हायर वेरिएंस एंड वाइस वर्सा। तो लोअर रहिले हायर वेरिएंस रहिबो आउ हायर रहिले लोअर वेरिएंस रहिबो। सो द चॉइस ऑफ एस्टिमेटर डिपेंड्स ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन बायस एंड वेरिएंस दैट बेस्ट सुट्स द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो ये आम गोटे गुड एस्टिमेटर दसटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिले। तापर आम ओएलएस पार्ट को आसवा बा ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो सी कौन कौन रही था तार एजम्पशंस कौन अच्छी से गुड़ी को देखा। तो ओएलएस होची ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर व्हिच इज ए मेथड यूज इन द लिनियर रिग्रेशन एनालिसिस टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लिनियर रिग्रेशन मॉडल ही ओएलएस
एस्टिमेटर तार माने एस्टिमेट करथाय। हियर से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ओएलएस। तो प्रथमे होची लिनियर रिग्रेशन मॉडल रहबा दरकार। तो प्रथमे इन लिनियर रिग्रेशन मॉडल वी हैव ए सेट ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल्स बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिनोटेड बाय एक्स एंड ए रिस्पोंस वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जोटा डिनोटेड बाय वाई। तो वाईटा होची रेस्पन्स वेरिएबल बा डिपेंडेंट आउ एक्सटा हूँ कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दुटा को लेकिन आम स्टडी करवा लिनियर रिग्रेशन मॉडल ले आम ओएलएस रे। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज एज्यूम टू बी लिनियर। तो एक्स आउ वाई भितर थिबा रिलेशनशिपटा आम कौन नबा ना लिनियर नबा माने वन लिनियर होता दरकार। एंड द ऑब्जेक्टिव एथे कौन रोच ओएलएस ना टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स एंड द रेस्पन्स वेरिएबल। तो रिलेशनशिप बेस्ट माने डिस्क्राइब कर प्रेडिक्टर आउ रेस्पन्स वेरिएबल भितर। तापर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एथे कौन कौन रहा ओएलएस एस्टिमेट्स द पैरामीटर्स ऑफ द लिनियर रिग्रेशन मॉडल बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल। दिस स्क्वायर डिफरेंस आर नोन एज रेसिडुअल्स और एरर्स। तो ये जो स्क्वायर डिफरेन्सटा को आम रेसिडुअल्स एरर्स बोली कहिबा। एंड फोर्थ रे आसुची लिस्ट स्क्वायर्स क्राइटेरियन। तो ओएलएस चोजेस द पैरामीटर एस्टिमेटर दैट मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर रेसिडुअल्स हेंस द नेम लिस्ट स्क्वायर्स। दिस क्राइटेरियन एनश्योर दैट द फिल्टेड लाइन कम्स एज पॉसिबल टू द ऑब्जर्व डाटा पॉइंट्स। तापर नेक्स्ट होची फिफ्थ रे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इयर रो। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन रे मैथमेटिकली द ओएलएस एस्टिमेटर फॉर द कोफिशिएंट्स और पैरामीटर बीटा इन द लिनियर रिग्रेशन मॉडल वाई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा एन एक्स एन प्लस सिग्मा इज ऑब्टेंड बाय सॉल्विंग द नॉर्मल इक्वेशन और यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ नॉर्मल इक्वेशन बा मैट्रिक्स अलजेब्रा रे ए जो इक्वेशन को सॉल्व करिवा। तो एटा हुई ओएलएस एस्टिमेटर इक्वेशन आम कहीपर यह मन रखिए वाई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा एन एक्स एन प्लस सिग्मा रोचे। तापर आम डिटेल देखा। तापर सिक्स रोचे तार एजेंशंस किसी रोटा आम डिटेल स्टडी करवा। तो ओएलएस रिलाइज ऑन सेवरल एजेंशंस इनक्लूडिंग लिनियरिटी इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स होमोस्केडेस्टिसिटी बा कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर्स आउ नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स एभला किसी एजेंशंस रोचे। तो violation of these assumptions can affect the reliability and validity of the OLS estimator. तापरे interpretation OLS रो देखिबा। तो once the parameter estimators are obtained using OLS, they can be interpreted to understand the relationship between the predictor variable and the response variable. Example हमें नहीं परिबा the coefficient of beta 1 represent the change in the response variable for a unit change in the predictor variable एक्स वन होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। तो एक्स वन चेंज है बीटू वन कौन चेंज हो सही अनुसार आम देखा। तापर ओएलएस वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स फाइनेंस सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन डाटा। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आम यूज कर ओएलएस को इकोनॉमिक्स रे फाइनेंस रे सोशल साइंस रे इंजीनियरिंग रे। तो आम रिलेशनशिप सॉल्व करने वेरिएबल्स भितर। तो इट प्रोवाइड्स ए सिंपल एंड पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिनियर रिलेशनशिप एंड एस्टिमेटिंग मॉडल पैरामीटर्स। तापर आम एजम्पन्स ऑफ ओएलएस को डिटेल स्टडी करवा। आम कौन कौन रोचे ओएलएस आम डिस्कस कले आम स्टडी करवा ओएलएस कौन कौन एजम्पन्स रोचे। तो प्रथम रोचे तार लिनियरिटी गोटे एजम्पन। तो लिनियरिटी कौन स्टडी करे ना द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज लिनियर। कहीं आम पढ़ी आसे लिनियर रहा दरकार ओएलएस दुटा भितर रिलेशनटा। तो दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ ए वन यूनिट चेंज इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट रहिबो लिनियर रिलेशन दुटा भितर। तापर इंडिपेंडेंस ऑफ एरर रहिबो सेकंड एजम्पशन। तो द एरर और रेसिडुअल बट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये दुटा भितर इंडिपेंडेंस रहिबो। इन अदर वर्ड्स द एरर एसोसिएटेड विथ वन ऑब्जर्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरर एसोसिएटेड विथ द अदर ऑब्जर्वेशन। तो गोटेर एरर अदर उपरे डिपेंड करिवो नहीं।
तो सेटा को ही आम कह इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। तापर थर्ड रे आसीबो थर्ड एजम्पशन ओएलएस रो होमोस्केडास्टिसिटी। तो होमोस्केडास्टिसिटी कहले कौन बुझिबा ना द वेरिएंस ऑफ द एरर इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तारो वेरिएंसटा कौन रहइबो वेरिएंस ऑफ द एरर्स इज कांस्टेंट कांस्टेंट रहइबो वेरिएंस रो एररटा सब जगह रे कांस्टेंट रहिले ताको होमोस्केडास्टिसिटी कहा जइबो। तो दिस मींस दैट द स्प्रेड ऑफ द रेसिडुअल्स इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तापर फोर्थ एजम्पशन आसुचे ओएलएसर नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स। तो नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स रहइबो द एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इम्प्लाइज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसिडुअल्स फॉलोज ए नॉर्मल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो एटा का फॉलो करइबो गोटे नॉर्मलिटी माने नॉर्मल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन माने एमती धर डिस्ट्रीब्यूशनटा एमती माने एपटे जी सेपटे से लेफ्ट एंड राइट रे समान रही थी। तो बेल सेप रहा को आम बेल सेप डिस्ट्रीब्यूशन कह आदि गोटे राइट वार्ड सिफ्ट कर गोटे लेफ्ट वार्ड को अधिक आसी तो से गुड़िक लेफ्ट टेल राइट टेल टेस्ट हो तो यहाँ नर्माली आम कह गोटे बेल सेप्ट्रे रही दरकार। तो डिस्ट्रीब्यूशनटा ह्विच इज इंपोर्टेंट फर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग कन्फ्यूजेंट्स इंटरवल। तो नर्माली अफ एरर आसा नेक्स्ट हूँ नो परफेक्ट कलिनियरिटी। तो नो परफेक्ट कलिनियर रही थोड़ा यहाँ गोटे एजम्पशन रहुची। तो देर इज नो परफेक्ट लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भितर परफेक्ट लिनियर रिलेशन रही नथाय एथरे ओएलएस रे। तो परफेक्ट कलिनियरिटी अकर्स व्वेन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए परफेक्ट लिनियर कम्बिनेसन अफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जदि गोटे आउ गोटे आम कहीपर परफेक्ट लिनियर कम्बिनेसन दुटा भितर रहा तो मानने कलिनियरिटी हे। तो मेकिंग इट इम्पसिबल टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट इन अनइक्वाली। तो यूनिकली आम एस्टिमेट करापर नेक्स्ट आसूसी गोटे एजम्पशन ओएलएस रहा हूँ नो ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन ये रही ना तो द एरर्स आर नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर। तो ईच अदर सहित से कोरिलेटेड नुहंती एरर्स गुड़िक कहीं से इंडिपेंडेंट अटंती। तो ऑटो कोरिलेशन अकर्स व्वेन द एरर टर्म्स फर वन ऑब्जर्वेशन आर सिस्टमेटिकली रिलेटेड विथ द एरर टर्म ऑफ नाइबरिंग ऑब्जर्वेशन। तो ये मैंने गोटे ऑब्जर्वेशन आउ गोटे ऑब्जर्वेशन उपरे सिस्टमेटिकली रिलेटेड रहिबो। किंतु एथिरे आमे पढ़िले कौन माने इंडिपेंडेंट केही कारी एरर उपरे माने डिपेंडेंट हेबे नै सेतिबाई एठी ऑटो कोरिलेशन रहिबो नै। तो वायलेटिंग द एजम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। तापरे एक्सोजेनिटी आउ गोटे ओएलएस रो आमे कहि परबा एजम्पशन। तो एक्सोजेनिटी रे कौन रहउची द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एक्सोजेनस मीनिंग दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एरर्स। तो एटा एरर्स उपरे माने एरर्स द्वारा अफेक्टेड होंती नै सेतिबाई एटा एक्सोजेनिटी रहुचि। तो देर इज नो फीडबैक लूप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तापर नेक्स्ट होची दिस एजम्पशंस आर क्रिटिकल फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओएलएस एस्टिमेट्स एंड द रिलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस सच एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्शन। तो वायलेशन ऑफ दिस एजम्पशंस कैन लीड टू बायस्ड एंड इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेट्स एंड इनवैलिडेट द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। तो युगुड़ मैंने वायलेट कले से बायस आउ इनएफिशिएंट रहइबो। तो देयरफॉर इट इज एसेंशियल। तो आम ये कहींपर देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एक्सेस द प्लॉसिबिलिटी ऑफ दिस एजम्पशन व्हेन यूजिंग ओएलएस रिग्रेशन एंड कंसीडर अल्टरनेटिव एस्टिमेशन मेथड इफ द एजम्पशंस आर नॉट मेट। तो ये आम ओएलएस तार एजम्पशंस किसी देखिले डिस्कस कले आम आसवा मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन जोटा टू वेरिएबल केस रे कौन कौन मेथड ऑफ एस्टिमेशन रहुची। तो इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स फ्रॉम सैंपल डाटा। तो हियर व्हेन एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स इन ए रिग्रेशन मॉडल विथ टू वेरिएबल्स बाय वेरिएट रिग्रेशन कॉमनली यूज्ड मेथड इंक्लूड एथरे कौन कौन रहुचि ना ओएलएस एस्टिमेशन रहुचि। तो इट इज ए वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल विथ टू वेरिएबल्स। तो इट मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज बाय रेसिडुअल्स टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तापर द एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द बेस्ट फिटिंग लाइन थ्रू द स्कैटर्ड प्लॉट ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो ये आम नहीं पार्बा फॉर ओएलएस फॉर ए लिनियर रिग्रेशन मॉडल विथ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। को टाइप लिनियर रिग्रेशन रहइबो तो वाई आई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वाई प्लस
सिग्मा आई ये भाया नहीं पार कि इक्वेशन भी हो पार वाई इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई जहाँ भी ना चलो तो ये जो वाई आई आटा जीरो बीटा वन एक्स आई सिग्मा आई कौन रिप्रेजेंट कर वाई आई रिप्रेजेंट कर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द ऑब्जर्वेशन आई एक्स आई रिप्रेजेंट कर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ऑब्जर्वेशन आई बीटा जीरो रिप्रेजेंट कर द इंटरसेप्ट बा वाई इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन बीटा वन रिप्रेजेंट कर द स्लोप और कोएफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्मा आई रिप्रेजेंट कर द एरर टर्म रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन लाइन तापर सेकेंड आम आसवा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन तो ये फास्ट रे आमर कौन आसा ऑयल एस एस्टिमेशन तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन टू वेरिएबल केस रे मेथड ऑफ एस्टिमेशन रे फास्ट रे आसूँ ऑयल एस एस्टिमेशन सेकेंड रे आसूँ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन थर्ड रे आसूँ वेटेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन बा WSS WLS एस्टिमेशन तापर नेक्स्ट फोर्थ रे आसूँ जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड आसूँ तापर फिफ्थ रे आसूँ इंस्ट्रुमेंटल वेरिएबल्स सिक्स्थ रे आसूँ टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड तो ये गोटे गोटे मेथड आम डिस्कस करवा तो फास्ट आम चलो फास्ट डिस्कस कले सेकेंड मेथड को आसवा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन बा MLE ताको कहा जाए तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कैन अल्सो बी यूज फर बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल एंड इट माने बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल एटा यूज हुए तो इट फाइंड्स द पैरामीटर वैल्यूज दैट मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन व्हिच मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द सैंपल डाटा गिवन द पैरामीटर वैल्यू तापर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेट्स एस्पेशियली व्हेन द एजम्पशन ऑफ द रिग्रेशन मॉडल आर मेट तो एटा गला मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन तापर थर्ड रे आसीबा माने एस्टिमेशन आसुजे गोटे वेटेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन तो वेटेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इज ए वेरिएंट ऑफ ओएलएस एस्टिमेशन दैट असाइन्स वेट्स टू ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन देयर वेरिएंस इट इज हेल्पफुल व्हेन द वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल्स आर हेटरोस्केडास्टिक वेरी विथ द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वेटेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एडजस्ट फॉर हेटरोस्केडास्टिसिटी एंड प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेट्स तापर फोर्थ रे आसुची जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स तो जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट इज ए फ्लेक्सिबल एस्टिमेशन मेथड दैट कैन हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ रिग्रेशन मॉडल इंक्लूडिंग बाइवेरिएट रिग्रेशन तो इट फाइंड्स पैरामीटर एस्टिमेट्स दैट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मोमेंट एंड देयर कॉरेस्पोंडिंग पॉपुलेशन मोमेंट तो यहाँ गला जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मोमेंट तो जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मोमेंट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मॉडल्स विथ नॉन लिनियर स्पेसिफिकेशन और व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल्स इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू एड्रेस एंडोजेनिटी तापर फिफ्थ रे आसीबा इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एस्टिमेशन बा IVE इंस्ट्रूमेंटल वेरिएशन वेरिएबल्स एस्टिमेशन तो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एस्टिमेशन इज यूज्ड टू एड्रेस एंडोजेनिटी और ओमिटेड वेरिएबल बायस इन रिग्रेशन एनालिसिस तो इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर कोरिलेटेड विथ द एंडोजेनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बट अनकोरिलेटेड विथ द एरर टर्म तो इंडिपेंडेंट माने इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एस्टिमेशन प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट पैरामीटर एस्टिमेट्स इवेन व्हेन द एंडोजेनस वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड विथ द एरर टर्म तापर नेक्स्ट सिक्स्थ रे रहुची टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन बट टू SLS ताको कहा जाए टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन तो इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ माने कौन इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एस्टिमेशन एटा गोटे आम कहीपर टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन टा गोटे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल रो गोटे स्पेसिफिक फॉर्म एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल एंडोजेनस वेरिएबल्स इन द मॉडल तो मल्टीपल एंडोजेनस वेरिएबल थिले सेटा हिजबो टू स्क्वायर टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन आउ सिंगल थिले सेटा हिजबो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेशन तापरे नेक्स्ट आमे जीवा तो एस्टिमेशन रे एतिकि पार्ट रहूची आउ बेसी किसी एस्टिमेशन रे नाही
ताले आज आम कौन पढ़ले एस्टिमेशन रे पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे ही तार वैल्यू आसी थाए आउ इंटरवल रे तार रेंज बा भेरी कर थाए वैल्यूटा। तो पॉइंट आउ इंटरवल एस्टिमेशन तापर क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। तो गोटे गुड एस्टिमेटर मेन क्राइटेरिया कौन अनबायसनेस रहिबो एफिशिएंसी रहिबो तापर कंसिस्टेंसी रहिबो तापर यूनिकनेस रहिबो रोबस्टनेस रहिबो मिनिमम मीन स्क्वायर्ड एरर रहिबो ईज ऑफ कंप्यूटेशन रहिबो इंटरप्रिटेबिलिटी रहिबो एसिम्प्टोटिक नॉर्मलिटी रहिबो बायस वेरिएंस ट्रेडअप रहिबो। तो ये किसी तार गुड एस्टिमेटर क्राइटेरिया आम पढ़ले। तापर नेक्स्ट होची ओएलएस तार एजम्पशंस। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर तार एजम्पशंस जमीक लिनियर रिग्रेशन मॉडल रहिबो ऑब्जेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एजम्पशंस इंटरप्रिटेशन। तो ये डिफरेंट ओएलएस रही। तो एजम्पशंस रे आम देखिले लिनियरिटी एजम्पशन रहिबो इंडिपेंडेंस ऑफ एरर रहिबो होमोस्केडेस्टिसिटी रहिबो नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स रहिबो नो परफेक्ट कोलिनियरिटी रहिबो नो ऑटो कोरिलेशन रहिबो एक्सोजेनिटी रहिबो। तो ये किसी एजम्पशंस आम डिस्कस कले ओएलएस रे। तापर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन टू वेरिएबल रे आमर कौन कौन रोचे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ओएलएस एस्टिमेशन रोचे टू वेरिएबल केस रे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन रोचे वेटेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन रोचे जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स रोचे तापर नेक्स्ट रोचे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एस्टिमेशन रोचे देन टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन रोचे। तो ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन रे आम डिस्कस कले। तो डिटेल जहाँ भी किसी थी डिस्कस करदे एस्टिमेशन पार्ट रे। तो ये पूर्व तो जहाँ भी किसी थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस फर्स्ट क्लास रे कंप्लीट होती कोरिलेशन रिलेशन रिग्रेशन सेकंड क्लास थर्ड रे आमर प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिस्कस कले फोर्थ रे आम सैंपलिंग रे डिस्कस कले फिफ्थ क्लास रे हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आज क्लास सिक्स्थ क्लास रे कंप्लीट है आम एस्टिमेशन। तो ये जहाँ भी किसी कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्लास रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथमेटिकल पार्ट थी से कंप्लीट करवा आउ किसी एमसीक्यू डिस्कस करवा जहाँ भी किसी मैथ आउ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड थी। तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी। तो क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आउ फ्रेंड्स मानक सहित भी शेयर करो दे समस्ते तार बेनिफिट नहीं पारे। आ चैनल को जदि जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखी ना ताले चैनल को जाइए देखिपर प्लेलीस्ट भी जाइए देखिपर एंड टेलीग्राम चैनल भी जदि जॉइन है ना ताले जॉइन हो जाओ से जहाँ भी किसी मानने क्लास अपलोड हो। तो नेक्स्ट क्लास रे आम देखा हवा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।